सांगठनिक वाद व्यवहार ये चौथा इसका हिस्सा है सांगठनिक वाद व्यवहार फ्लैटरी फ्लैटरी माने चापलूसी चापलूसी सम पीपुल आर सो हंग्री सो थर्स्टी फॉर एप्रिसिएशन दैट दे विल स्वेलो एनी थिंग जस्ट एज ए स्टारविंग मैन विल ईट ग्रास एंड फिश वर्म्स फिश आ वर्म्स ये है चापलूसी चापलूसी मतलब होता है झूठी प्रशंसा या चमचागिरी भी इसको कह सकते हैं कुछ लोग अपनी प्रशंसा के लिए इस हद तक भूखे और प्यासे होते हैं कि वे इसके लिए कुछ भी निकल जा सकते हैं कुछ भी निकल जा सकते हैं जैसे कि एक भूखा मरता मनुष्य घास एवं कीड़े मकोड़े सब खा जाता है सब खा जाता है ये जो संगठन के अंदर जो सुप्रीमो ताना साहब पनपता है वो ऐसे ही होता है सुप्रीमो ताना शाह जो है संगठन के अंदर चमचागिरी भंडुआगिरी दलालगिरी दलाली जो पैदा करता है भगत गिरी वो इसी से होता है यानी कि कुछ लोग अपनी प्रशंसा के लिए कुछ आ, कुछ लोग अपनी प्रशंसा के लिए इस हद तक भूखे और प्यासे होते हैं कि वे इसके लिए कुछ भी निकल जा सकते हैं कुछ भी निकल जा सकते हैं जैसे कि एक भूखा मरता मनुष्य घास एवं कीड़े मकोड़े सब खा जाता है तो संगठन के अंदर जो सुप्रीमो ताना होते हैं वो इसी तरह के होते हैं और उन्हीं की वजह से चापलूसी का जन्म होता है संगठन के अंदर यानी चमचागिरी भगतगिरी दलाली भंडवागिरी ये जो है इसी तरह से जन्म लेती है इसी से चापलूसी का जन्म हुआ इसी से चापलूसी का जन्म हुआ द आर्ट ऑफ फ्लैटरी द आर्ट ऑफ फ्लैटरी चमचागिरी यानी चापलूसी का जन्म हुआ इन द लॉन्ग रन फ्लैटरी विल डू यू मोर हार्म देन गुड इन द लॉन्ग रन फ्लैटरी विल डू यू मोर हार्म देन गुड मतलब कि चापलूसी का अर्थ है असत्य प्रशंसा और दीर्घावधि में चापलूसी से भलाई के बजाय नुकसान हो सकता है दीर्घकाल दीर्घ दीर्घावधि में मान लंबे अरसे में चापलूसी से भलाई के बजाय नुकसान हो सकता है हम देखते भी हैं कि सुप्रीमो तानाशाह जिस संगठन में होते हैं उस संगठन में उसकी क्या दशा होती है सुप्रीमो तानाशाह की भी जो दशा होती है उसका पतन किस तरह से होता है इन चापलूसों के द्वारा और इन चापलूस जो जो चापलूस होते हैं चमचा चमचे और भगत होते हैं उनका भी पतन इसी तरह से होते हैं दलाल और भड़ुए तो कोई बात नहीं वो तो दूसरी जगह चले चले जाते जाते हैं, हैं। चापलूसी एक तरह से जालसाजी है, चापलूसी एक तरह से जालसाजी है और नकली रुपए की तरह अंततः यह आपको कठिनाई में डाल देगी चापलूसी एक तरह से जालसाजी है और नकली रुपए की तरह अंततः यह आपको कठिनाई में डाल देगी फ्लैटरी फ्लैटरी इज काउंटर फीट एंड लाइक काउंटर फीट मनी इट विल इवेंचुअली गेट यू इंटू ट्रबुल इंटू ट्रबुल इफ यू ट्राई टू पास इट इफ यू ट्राई टू पास इट फ्लैटरी इज इनसेंसियर, इट इज फ्रॉम द टीथ इट इज फॉर सेल्फिश रीजन इट इज कंडेम्ड इट इज कंडेम्ड ये जो चापलूसी होती है चापलुसी होती है ये झूठी होती है चापलूसी झूठी जु, होती है मतलब फ्लैटरी इज इनसिंसियर और झूठी प्रशंसा दांत दिखाकर होती है ये जो झूठी प्रशंसा है चापलूसी की यह जो है दांत दिखाकर होती है इट इज फ्रॉम दी टीथ लोग दांत दिखाते रहते हैं जो चापलूस होते हैं चमचे होते हैं भगत होते हैं वो दांत दिखाते रहते हैं अपने सुप्रीमो ताना साह को तीसरा है चापलूसी स्वार्थ के लिए की जाती है फ्लैटरी फॉर सेल्फिश रीजन इट इज फॉर सेल्फिश रीजन जो फ्लैटरी होती है चापलूसी होती है चमचागिरी होती है ये स्वार्थ के कारण स्वार्थ के लिए की जाती है चौथा है चापलूसी की निंदा की जाती है दुनिया में सब जगह चापलूसी की कोई प्रशंसा नहीं करता है फ्लैटरी इज कंडेम्ब फ्लैटरी इज कंडेम्ड यूनिवर्सली सारी दुनिया में जो है चापलूसी को जो है निंदा की जाती है चमचों और भगत की भक्तों की कोई कीमत नहीं होती है आप अपने दुश्मनों से मत डरो आप अपने दुश्मनों से मत डरो जो आप पर आक्रमण करते हैं जो आप पर आक्रमण करते हैं किंतु तो आप अपने उन दोस्तों से डरो जो आपकी चापलूसी करते हैं जो आपकी चापलूसी करते हैं डू नॉट अफ्रेड ऑफ एनिमीज हु अटैक यू अटैक यू बी अफ्रेड ऑफ फ्रेंड्स हु फ्लैटर यू हु फ्लैटर यू टीच मी नीदर टू प्रॉफर चीप प्रेज ना रिसीव प्रेज ये किंग जॉर्ज फिफ्थ हैं वो ऐसा करते हैं ब्रिटेन के जो थे किंग जॉर्ज थे फिफ्थ उन्होंने ऐसा कहा कि अपने आप अपने दुश्मनों से मत डरो जो आप पर आक्रमण करते हैं किंतु तो आप अपने उन दोस्तों से डरो जो आपकी चापलूसी करते हैं मुझे झूठी प्रशंसा मत दो किंग जॉर्ज फिफ्थ कहते हैं कि मुझे झूठी प्रशंसा मत दो ना ही मुझसे झूठी प्रशंसा लो ना ही मुझसे झूठी प्रशंसा लो टीच मी नीदर टू प्रॉफर ना रिसीव चीप प्रेज ना रिसीव चीप प्रेज ये जो है ब्रिटिश के जो किंग ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ थे उनका ऐसा कहना था किसी व्यक्ति की चापलूसी करने का मतलब है किसी व्यक्ति की चापलूसी चापलूसी करने का मतलब है चाहे वो सुप्रीमो हो चाहे तानाशाह हो उस व्यक्ति के विषय में ठीक वही बात कहना जिसे वह व्यक्ति अपने विषय में सोचता है जिसे वह व्यक्ति अपने विषय में सोचता है जो सुप्रीमो तानाशाह होते हैं वही वो, वो यही सोचते हैं कि मेरे विषय में लोग अच्छी अच्छी बात करते रहें मेरा जयकारा लगाएं और मुझे फूल माला चढ़ाएं मुझे नोटों की माला चढ़ाएं तो वो सुप्रीमो तानासाह जो है अपने विषय में अच्छी अच्छी बात सुनना चाहता है और जो उसकी डिमेरिट है वो नहीं सुनना चाहता है तो ठीक है चापलूस भी उसी तरह से होते हैं वो वो जो है उसी तरह से उसके मन पसंद चीज़ें बोलते रहते हैं फ्लैटरी इज़ टेलिंग दी अदर मैन

आप चाहे जिस भाषा का प्रयोग करें आप चाहे जिस भाषा का प्रयोग करें आप वही कहेंगे आप वही कहेंगे जो आप हैं आर डब्ल्यू कहते हैं यूज वाट लैंग्वेज यू विल यू कैन नेवर से एनी थिंग बट वाट यू आर बट वाट यू आर आप जो अंदर से हैं आप वो आपके मुंह से निकल ही जाएगा ऐसा आर डब्ल्यू का कहना है हर कोई व्यक्ति जिससे मैं मिला हर कोई व्यक्ति जिससे मैं मिला किसी ना किसी बात में वह मुझसे श्रेष्ठ था किसी न किसी बात में वह मुझसे श्रेष्ठ था इस तरह से मैंने उससे कुछ ना कुछ सीखा ही मैंने इस तरह से मैंने उससे कुछ ना कुछ सीखा ही इमर्सन कहते हैं इमर्सन कहते हैं एवरी मैन एवरी मैन एवरी एवरी मैन एवरी मैन आई मेट इज माई सुपीरियर इन सम वे एवरी मैन आई मेट इज माई सुपीरियर टू इन समे इन दैट आई लर्न ऑफ हिम आई लर्न ऑफ हिम ये इमर्शन कहते हैं हमें दूसरे व्यक्ति की अच्छी बातों को समझना चाहिए हमें दूसरे व्यक्ति की अच्छी बातों को समझना चाहिए चापलूसी को भूल जाइए ईमानदारी से उसकी सच्ची प्रशंसा करो ईमानदारी से उसकी प्रशंसा प्रशंसा करो फ्लैटरी हाँ यू लेट अस ट्राई टू फिगर आउट द अदर मैं गुड पॉइंट्स देन फॉरगेट फ्लैटरी देन फॉरगेट फ्लैटरी गिव ऑनेस्ट सिंसियर एप्रीसीएसन गिव ऑनस्टर एप्रीसी हमें दूसरे व्यक्ति की अच्छी बातों को समझना चाहिए चापलूसी को भूल जाइए हम ईमानदारी से उसकी सच्ची प्रशंसा करो पूरे दिल से पूरे दिल से लोगों के प्रति अच्छे विचार रखिए पूरे दिल से लोगों के प्रति अच्छे विचार रखिए और जी भर करके प्रशंसा कीजिए और जी भर करके प्रशंसा कीजिए बी हार्टी बी हार्टी इन योर इन योर अप्रोवेशन एंड लेविस इन योर प्रेज लाइव इन योर प्रेज ये चार स्व का कहना है चार स्वाब का कहना है अब आगे है सच्ची प्रशंसा क्या होती है? इट इज इट इज इट इज फ्रॉम दी हार्ट इट इज फ्रॉम दी हार्ट इट इज अनसेल्फिश इट इज इनवर्सली एडमायड इट इज इनवर्सली एडमायड यानी जो ये जो सच्ची प्रशंसा होती है अब देखिए सच्ची प्रशंसा क्या है सच्ची प्रशंसा सच्ची होती है सच्ची प्रशंसा सच्ची होती है इट इज सिंसियर इट इज सिंसियर सच्ची प्रशंसा दिल से होती है इट इज फ्रॉम द हार्ट इट इज फ्रॉम द हार्ट यह निस्वार्थ होती है इट इज अनसेल्फिश इट इज अनसेल्फिश इसकी सर्वत्र प्रशंसा की जाती है इसकी सर्वत्र प्रशंसा की जाती है इट इज़ यूनिवर्सली एडमायर्ड इट इज़ यूनिवर्सली एडमायर्ड तो ये जो हमारे मूलनाशी बहुजन की जो संगठन है उसके अंदर जो सुप्रीमो ताना साहब पनपते हैं उसकी वजह से संगठन का बड़ा नुकसान हुआ है इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए कि सच्ची प्रशंसा क्या होती है और जो चापलूसी है वो वो, वो क्या होती है वो चापलूसी है वो क्या होती है तो हमें इन दोनों को का डिफरेंस पता होना चाहिए सच्ची प्रशंसा करनी चाहिए लेकिन चापलूसी और चमचागिरी नहीं करनी चाहिए उससे हमारे मूल्यवासी बहुजन के संगठन टूट गए हैं और बहुत नुकसान हुआ है तो इसलिए आज से हम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हमने बताने की कोशिश किया है कि चापलूसी क्या होती है यानी चमचागिरी भगतगिरी क्या होती है लोग कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और सच्ची प्रशंसा क्या होती है उसके लिए क्या करना चाहिए वो क्या होती है ये हमने बताने की कोशिश किया आगे से हम अपने संगठनों को चापलूसी से बचाएंगे चमचागिरी और भगतगिरी से बचाएंगे लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की हम लोग सच्ची प्रशंसा करेंगे यानी सच्ची प्रशंसा